नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज आपको होजरी कपड़े की सिलाई करने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों जो 100% वर्क करती है। अक्सर क्या होता है, देखिए जैसे कि ये लवर है मेरे पास, दो तीन लवर है, इनकी फिटिंग करूंगा और इनको काट कर ऊंची भी करूंगा। हमारे सामने समस्या ये आती है, देखिए जो हमारी साधारण मशीन ना होती वैसे इनकी मशीन अलग होती है दोस्तों, और जो हमारी हाथ वाली हो चाहे बड़ी मशीन, जो साधारण सिलाई वाली मशीन है, इन मशीनों से इस कपड़े की सिलाई नहीं हो पाती, क्योंकि इस पर देखिए मशीन है जो टेप देने लग जाती है, नीचे का धागा नहीं लेती। तो वो नीचे का धागा क्यों नहीं लेती दोस्तों, इसका 100% सोल्यूशन बताएंगे। इसी मशीन से 16 नंबर की सुई से ही इसकी सिलाई कर आज आपको दिखाता हूं, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। दोस्तों कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब ये पैंट दोस्तों मैंने ऊंची और भीड़ी करनी है, ऊंची तो मैंने काट ली है, जो काटना था मैंने काट लिया है, अब इसको उल्टी कर लेते हैं। अब बात आती दोस्तों कि इसकी सिलाई कैसे करें, मशीन धागा नहीं लेती नीचे का। तो इसमें देखिए मैंने 16 नंबर की सुई लगा रखी है, मैं ना 11 लगाऊंगा ना 14 लगाऊंगा, क्योंकि 11 14 भी कई बार नहीं धागा लेती। तो एक 100% अच्छी ट्रिक है, ये ट्रिक है देखिए, ये सिर्फ हमारा मशीन का ऑयल है, बढ़िया वाला तेल होना चाहिए सफेद वाला। अब इससे आपको क्या करना है, जिस गट्टी से आप सील रहे देखिए इसी गट्टी से मैं इसकी सिलाई करूंगा और इसको अच्छे से भिगो लेना है। अब ये भीग गई है और इस धागे को जो हमारा भीगा हुआ धागा है यहां पर आ जाना चाहिए, देखिए ये आ गया है। अब आपकी सिलाई करके दिखाते हैं, इस पर ये वैसे मशीन नहीं चलती तो इसकी फिटिंग करनी है मैंने लगभग 1.5 इंच के करीब। अब ये टांका मैं आपको लगा रहा हूं, देखिए सिलाई देख सकते हैं आप पीछे कितनी कलीर सिलाई आ रही है, कोई टेप नहीं है। अगर आप भी घर पर होजरी कपड़े की इस प्रकार की लवर कपड़े की किसी प्रकार का हो, टी शर्ट हो पैंट हो, आपको पता है रेडीमेड ये या तो लूज आते हैं या फिर ज्यादा बड़े आते हैं, तो इनको कैसे सेट करें। देखिए दोस्तों ऑयल देने के बाद जो पूरा टांका हमारा जहां तक मैंने इसको भीड़ा करना था कर दिया है और कोई भी किसी प्रकार की कोई टेप नहीं, देख सकते हैं कितने अच्छे से सिलाई आ गई है। अब इसकी नीचे की मोरी भी मोड़ कर आपको दिखाता हूं। अब दोस्तों इसकी मोरी भी मोड़ देते हैं, देखिए कोई टेप नहीं दे रही, मशीन बिल्कुल वर्क करेगी अच्छे से दोस्तों। और कई भाइयों का ये भी कमेंट रहता है कि सर हमारी सिलाई तो हो जाती है लेकिन जो कपड़ा वो कटने लग जाता है, अगर ऐसी स्थिति है तो आप क्या करते हैं, इसकी चाल जो ज्यादा नन्ही रखते आपको थोड़ी चाल मोटी रखनी है और एक सिलाई के ऊपर दोबारा सिलाई नहीं लगानी, यानी कि डबल सिलाई नहीं लगानी, तो आपका कपड़ा नहीं कटेगा। आप डबल सिलाई लगाते हो, नन्ही सिलाई लगाते हो, तब कपड़ा कटता है। अब दोस्तों देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये ट्रिक काम कर गई है, कोई भी टेप नहीं तो इस कपड़े पर मशीन कभी चल जाती है कभी टेप दे देती है तो बड़ी समस्या होती है और धागा भी टूट जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं अच्छे से वर्क कर गई है मशीन। तो आप भी अपनी साधारण सिलाई मशीन से होजरी कपड़े की, लवर पैंट की, टी शर्ट की है, जो रेडीमेड कपड़े हैं उनको घर पर फिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाजत, जय राम जी।